भारत में धोखाधड़ी के बाजार में एक नया फ्रॉड आया है। ये फ्रॉड उन लोगों को निशाना बना रहा है जिन्होंने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अब उन्हें रिफंड का इंतजार है। फ्रॉडस्टर आजकल इन्हीं लोगों की तलाश में है। आइए कोलकाता की रहने वाली स्वाति के एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि ये धोखेबाज किस तरह से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। स्वाति ने जुलाई में अपना रिटर्न फाइल किया था, उन्हें भी लाखों टैक्स पेयर्स की तरह रिफंड का इंतजार था। इस बीच उनके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि उनका 12,500 रुपए का रिफंड बन रहा है और इस रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्वाति को भी रिफंड के पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया। यहां स्वाति वही गलती कर चुकी थी जिसका शिकार हर दिन हजारों लोग होते हैं। स्वाति ठगी के शिकार हुई थी। उनके खाते से लगभग 40,000 रुपए निकाल लिए गए। स्वाति ने जब इनकम टैक्स विभाग को कॉल किया तो उन्हें पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी इस तरह के मैसेज भेजता ही नहीं है। स्वाति जैसी स्थिति का सामना कई टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। वैसे फ्रॉड का यह सबसे आम तरीका है। हैकर जिसे अपना शिकार बनाना चाहते हैं उसके मोबाइल या ईमेल अकाउंट पर एक लिंक भेजते हैं, उस पर क्लिक करते ही मोबाइल का एक्सेस हैकर्स के हाथ में चला जाता है और फिर वो अकाउंट से रकम उड़ा देते हैं। आईटी डिपार्टमेंट कभी भी रिफंड से जुड़े ऐसे मैसेज नहीं भेजता है। हाँ, वो रिफंड की जानकारी वाले मैसेज जरूर भेजता है, वो भी रिटर्न फाइल करने से पहले तक। आईटीआर फाइल करने के लगभग एक महीने में रिफंड उस बैंक के अकाउंट में आ जाता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिंक होता है। रिफंड पाने के लिए अलग से कोई मैसेज नहीं भेजा जाता, लेकिन जब लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो आयकर विभाग भी हरकत में आ गया है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर को निशाना बनाकर किए जा रहे फ्रॉड के बारे में चेतावनी जारी की है। विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें आईटीआर दाखिल करने वालों के साथ साथ टैक्स दाखिल करने से चूक गए लोगों को भी अलर्ट किया गया है। इनमें कहा गया है कि टैक्स पेयर्स ऐसे फर्जी कॉल और पॉपअप मैसेज से सावधान रहें जिनमें दावा किया जाता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिफंड मिलना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रॉड वाले मैसेज के लिए इसी तरह की चेतावनी जारी की है। लोगों के पास आ रहे मैसेज में लिखा होता है कि उनके आईटीआर स्वीकृत हो चुके हैं और वो 15,000 रुपए के रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। मैसेज में बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एक लिंक भी होता है, लेकिन ये पूरी तरह फ्रॉड है। मैसेज में डिपार्टमेंट ने नकली पॉपअप से सावधान रहने को कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी भी पॉपअप विंडो के जरिए आपसे संपर्क नहीं करने की बात कही है, ये फ्रॉड ही होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना दें और ना ही किसी लिंक पर क्लिक करें। बैंक अकाउंट की जानकारी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या कोई और संवेदनशील डेटा मांगने वाले लिंक पर क्लिक ना करें, ना ही ऐसे ईमेल्स का जवाब दें। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर से उनके रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए ही कम्युनिकेट करता है। अगर आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो इसका स्टेटस जानने के लिए क्या करना है, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड से ऑनलाइन आईटीआर रिफंड का स्टेटस जानने का प्रोसेस समझते हैं। इसके लिए आपको incometax.gov.in पर आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इसके बाद ई फाइल टैब पर जाना होगा, फिर आयकर रिटर्न और फाइल किए गए रिटर्न देखने पर क्लिक करें। यहां आप चुने हुए असेसमेंट ईयर की रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं, है ना सिंपल। अगर ऐसी ही खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट से फॉलो करें हमारा YouTube चैनल, और इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।